सो हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पेंस पेन की नई वीडियो आज वीडियो में जो आपको पेंस पेन की ट्रिक सिखाने आ रहा हूँ उसका नाम थंब राउंड एक्सटेंड है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताऊँ कि ये ट्रिक थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस भी थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, बट फिर भी फ्रेंड्स आपको ट्रिक जरूर सीखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सटेंड थंब राउंड सीखने के लिए सबसे पहले आपको थंब राउंड अपने T1 स्लॉट से आना चाहिए। आई मीन फ्रेंड्स, आपको थंब राउंड अपनी ओनली फोर फिंगर एंड थंब से करना आना चाहिए कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, इसे करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसे एकदम आसानी से प्रैक्टिस करके जल्दी से सीख सकते हो। फ्रेंड्स, आप जैसे आपने थंब राउंड सीखा था, आप अपनी मिडल एंड रिंग फिंगर से पैन को पुश करते थे और वो थंब के अराउंड स्पिन हो जाता था। अब फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको इसमें भी करनी है, पर आपको खाली अपने फोर फिंगर का यूज़ करना है और यूँ करके करना है, आपको पैन को पुश करना है और आपके ये भी थंब के अराउंड यूँ करके स्पिन होने लग जाएगा इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, जब आप ये सीख जाओ तो आपको करना क्या है, आपको ये ट्रिक करनी है और अपने फोर फिंगर को और थंब को आपको क्लोज ही रखना है, इनको ओपन नहीं करना और आपको अपने पैन को कैच ही नहीं करना कुछ इस तरह से। आपने थंब राउंड करा, आपने इनको बंदे रखा और ये पैन यूँ करके गिर गया। अब फ्रेंड्स, आपको साथ ही साथ ये भी करना है, जब आपका पैन थंब के अराउंड एकदम फिनिश हो जाए तो आपको अपने हैंड को थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, आपने थंब राउंड करा, अपने हैंड को रोटेट कर लिया और ये पैन यूँ हो जाएगा कुछ। अब फ्रेंड्स, इन दोनों स्टेप के बाद आपको अपना एक थर्ड स्टेप करना है, जिसमें आपको अपने बस फोर फिंगर को ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। आपने फ्रेंड्स ये करा, पैन घुमा, आपने हैंड थोड़ा सा अपना रोटेट कर लिया और आपने अपने फोर फिंगर ओपन कर लिए ऊपर के। फ्रेंड्स, यूँ करा आपने यूँ करके। फ्रेंड्स, अभी जो भी तीनों मैंने आपको स्टेप्स बताई है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप अगर ढंग से फॉलो करोगे, आप उन्हें अच्छे से सुनोगे देखोगे तो आप एक वीक में ही लर्न कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको थंब राउंड करना है, अपने दोनों फिंगर से क्लोज रखना है, फिर हैंड थोड़ा सा रोटेट करा आपने और अपने फोन फिंगर ओपन कर लिए कुछ इस तरह से यूँ करके। फ्रेंड्स, जब आपका पैन यहाँ पे एंड की पोजीशन पे होगा तो आप इसे अब कैच नहीं कर पाओगे क्योंकि आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे होगे। फिर आपको करना क्या, आपको अपने पैन को थोड़ा कुछ इस तरह से कैच कर लेना है यूँ करा आपने यूँ करके। मैन फ्रेंड यहाँ पर आएगा, आप अपने हैंड को इस तरह से करना है। आइए फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको अपने पैन का, आप स्टार्टिंग में अपने पैन को कैच नहीं कर पाओगे तो इसीलिए आपको इसे इस तरह से कैच करना है कुछ यूँ करके। फ्रेंड्स, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका एक राउंड एकदम अच्छे से पक्का हो जाएगा, फिर आप इसे हर बारी में कर पाओगे। जो भी मैंने स्टेप्स बताए फिर उसके बाद उन्हें ध्यान से सुनिए और देखिए, फिर आप इसको भी एकदम अच्छे से सीख जाओगे मेरी तरह। और हाँ फ्रेंड्स, पैन स्पिनिंग में थंब राउंड एक्शन करने का एक दूसरा वे भी होता है, जिसमें फ्रेंड्स आप अपने मिडल फिंगर का भी यूज़ करते हो, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। फ्रेंड्स, एकदम सिमिलर है थंब राउंड एक्शन जैसा, बस आप इसमें अपने मिडल फिंगर को ऐड कर रहे हो। फ्रेंड्स, में सारी चीज़ें वैसे ही होती है, फ्रेंड्स थंब के अराउंड घूमता है और फिर अपने आपके फोर फिंगर पर जाता है, आप पैन को भी तो उसी तरह से होल्ड करते हो, बस आपकी स्टार्टिंग थोड़ी सी चेंज होती है, आप बस अपने इसमें मिडल फिंगर का यूज़ करते हो। कैसे बताया था कि आप इसे भी कैसे इस तरह से कैसे कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें भी आपको यही करना है, आपको अपना नॉर्मल थंब राउंड करना है सबसे पहले और आपको फ्रेंड्स इसको कैच ही नहीं करना है, और फ्रेंड्स इसको गिरने देना है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको अपने हैंड को थोड़ा सा यूं करके रोटेट कर लेना है, जब फ्रेंड्स आप यूं करो इस तरह से कुछ। तो फ्रेंड्स, आपको अपने धीरे धीरे थर्ड स्टेप में आपको अपने फोर फिंगर को ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। फिर फ्रेंड्स, इसके बाद आपको अपने पैन को यूं करके कैच कर लेना है, जब फ्रेंड्स यूं आए यूं करके आपने पकड़ लिया। तो फ्रेंड्स, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे फिर आपको एकदम एकदम अच्छे से सही हो जाएगा ये, फिर आप इसे हंडबारी में कर पाओगे बिना गिराए मेरी तरह। ओके सर, फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, इस ट्रिक में जो भी पॉसिबल हो सकता था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, आई नो कि ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बट फ्रेंड्स जो भी इसमें मैंने आपको स्टेप्स बताया बस आपको उन्हीं को फॉलो करना है और आप इस ट्रिक को एक वीक के अंदर आराम से सीख जाओगे।
फ्रेंड्स, वीडियो को बेफालतू में लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं होता और वीडियो बोरिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैंने बस आपको थोड़ी बहुत बातें बताई है, बस आपको उनको अच्छे से फॉलो करना है और आप इस ट्रिक को आराम से बहुत जल्दी सीख जाओगे। और बस बाय बाय।